monsoons have arrived at my place. It definitely makes the balcony messy. But I love the rains. वैसे अगर आपने कभी गौर किया हो तो बारिश के आते ही मौसम इतना प्यारा हो जाता है एंड बाहर का नज़ारा तो और सुंदर लगने लगता है। मिट्टी की वो सौंधी सौंधी सी खुशबू, अचानक से गर्मी का चले जाना और मौसम का ठंडा हो जाना, पत्तों पे, फूलों पे बारिश की वो प्यारी प्यारी सी बूंदें, इन सब को देखकर दिल ऑटोमेटिकली शांत होने लगता है ना? वैसे आई एम नॉट एन अर्ली राइजर, मैं बहुत जल्दी नहीं उठती हूँ, बट जितने बजे भी उठती हूँ सुबह सुबह मुझे अदरक की चाय बहुत प्यारी लगती है। सो दिस इज़ द टाइम जब मैं अपनी चाय को इन्जॉय करती हूँ। क्योंकि वानिका इस वक्त सो रही है तो मैंने सोचा कि थोड़े बहुत किचन के काम भी फिनिश कर लूँ। कल रात भी बारिश हुई थी तो मैंने आलस के मारे बर्तन नहीं धोए थे, सो आई थॉट लेट मी क्विकली फिनिश इट बिफोर वानिका गेट्स अप। एंड यहाँ मैं बना रही हूँ कुछ ब्रेड कटलेट, सो दैट कि जैसे ही वानिका उठे उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी हो। सो इसमें मैंने खूब सारे वेजिटेबल्स डाल दिए हैं, कैरेट, कैप्सिकम, पोटैटोज, एंड उसका ब्रेकफास्ट रेडी है। सो द ब्रेकफास्ट इज़ रेडी एंड इसके बाद मैंने अपना शावर वार ले लिया। एंड आफ्टर आई टुक माई शावर आई रियलाइज कि कुछ प्लांट्स मैं लेके आई थी अपने फ्रेंड्स के घर से, अपने नेबर्स के घर से, जिन्हें मुझे अपने पॉट्स में ट्रांसफ़र करना था। तो मैं नहा तो चुकी थी बट कोई बात नहीं, दोबारा से मुझे हाथ अपने गंदे करने पड़े, बट दैट्स ओके बिकॉज आई लव प्लांट्स। एंड यू नो सावन का महीना ही ऐसा होता है कि इतनी हरियाली देख के आपका मन करता है कि और प्लांट्स अपने यू नो घर में आप ऐड करें। तो बस मैंने कुछ स्नेक प्लांट्स एंड थोड़े बहुत ये छोटे मोटे फ्लावर्स वाले प्लांट्स में लेके आई थी, और इन्हें मैंने जो प्लास्टिक के हमारे पास ऑयल कैंस और यू नो डिस्पोजेबल पीडियाश्योर के बॉटल्स ये सब कुछ मेरे पास रखे हुए थे तो उन्हीं में ही मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। एंड यहाँ मैं अपने स्नेक प्लांट और जेड प्लांट के प्लांटर्स में थोड़ा सा यू नो वाइट पोलका डॉट्स दे रही हूँ जस्ट टू एनहांस द लुक ऑफ द प्लांटर। एंड एक साथ तो मैं नहीं कर पाती हूँ बिकॉज वानिका एक बार उठ जाए तो उसके बाद उसे उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। तो जब जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं इसे कंप्लीट करूँगी एंड आई डेफिनेटली शेयर द फाइनल यू नो लुक विथ यू ऑल। सो अभी के लिए बस थोड़ा थोड़ा मैं इसमें वाइट बेस दे रही हूँ बट इसमें मैं डिफरेंट कलर्स ऐड करूँगी। और अब उठ गई है वानिका, उसका ब्रेकफास्ट भी मैंने करवा दिया एंड सुबह सुबह उसके साथ थोड़ा बहुत मुझे एक्टिविटीज़ कराना ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज उसे टीवी की यू नो वो ज़िद करने लगती है। सो दिस इज़ द बेस्ट वे उसको थोड़ा सा एंगेज करके रखने के लिए। ग्रेप्स, व्हाट इज़ द कलर ऑफ ग्रेप्स? पर्पल। व्हिच फ्रूट इज़ दिस? एप्पल। व्हाट इज़ द कलर ऑफ इट? एंड उसके साथ ही साथ थोड़ा बहुत मैं वानिका को बाहर ले आती हूँ। I still don't take her to the park. अभी भी मुझे डर लगता है उसे पार्क छोड़ना, लेकिन thankfully I have few friends here. तो उनके छोटे बच्चे हैं, उन्हीं के साथ थोड़ा वानिका खेल लेती है, उसके लिए भी थोड़ा चेंज हो जाता है, उसे अच्छा भी लगता है, प्लस थोड़ी सी ना बोरियत भी यू नो कम हो जाती है। एंड लुक एट दिस, कितना प्यारा मौसम है, इतनी अच्छी हवा चल रही है। Head and shoulder, knees and toes. Knees and toes, knees and toes. बच्चे छोटे हों तो घर के काम के साथ साथ अपने काम के साथ साथ उन पे भी उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना, उनके साथ गेम्स खेलना, यू नो उनके साथ उनकी पढ़ाई कराना, ये सब भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड ऐसे में सीरियसली कब सुबह से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, बिल्कुल पता नहीं चलता।
और अब वानिका जी थोड़ी बड़ी होने लगी हैं, तो इन्होंने मुझे अपने डिमांड्स देना शुरू कर दिया है। तो शी हैज़ रिक्वेस्टेड मी टू मेक सम मग केक्स। मैं केक्स बनाना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता है और मुझे आलस आता है ऑब्वियसली, बट मग केक फटाफट से 2 मिनट में बन जाता है, तो मैं उसके लिए ये आटा यूज़ करके उसके लिए मग केक बना रही हूँ। आई शेयर द यू नो डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स कि इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड करी हैं। बहुत ही फटाफट बन जाता है एंड बहुत ही हेल्दी है बिकॉज आटे से ही बना है एंड आटा एंड दूध इन सब चीज़ों को ही डाल के मैंने बनाया है, तो इट्स वेरी ईजी एंड सिंपल एंड शी इन्जॉयज़ इट। सो अब हम जा रहे हैं अपना मग केक इन्जॉय करने एंड मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में या अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।